नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 7 इतिहास की पुस्तक के प्रथम अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया था, उसी प्रकार आज इस वीडियो में हम इतिहास पुस्तक के दूसरे अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, है ना, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, दूसरा अध्याय है नए राजा और उनके राज्य, ठीक है। इसका आज हम महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, 7वीं सदी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं से 12वीं सदी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। जैसा कि हमने जब पिछले इस अध्याय का अध्ययन किया था, उसको पढ़ा था, तो हमने बहुत सारे जो चालुक्य है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, इन शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, है ना, और राज्य कौन कौन से राज्य उन्होंने बनाए उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो उसी पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, परीक्षा उपयोगी, उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए, 7वीं सदी में बड़े भूस्वामी व योद्धा अस्तित्व में आए, यानी एक तरह से ये उभरे, है ना, इनसे उम्मीद की जाती थी कि ये राजा के लिए उपहार लाएं व सैनिक सहायता प्रदान करें, ठीक है। इसमें बताया गया है कि 7वीं सदी के बाद में बड़े बड़े भूस्वामी, है ना, यानी जमीनों के मालिक, एक तरह से बड़े बड़े जमींदार बोले जिनको, है ना, एक तरह से सामंत और योद्धा सूरवीर जो व्यक्ति थे अस्तित्व में आए, यानी उभर करके आए, और इनसे उम्मीद की जाती थी, इनसे ये उम्मीद थी, ये आस थी, क्या, कि ये राजा के लिए उपहार लाएं, यानी राजा के लिए भेंट प्रदान करें, वह सैनिक सहायता प्रदान करें। अगर शासक का किसी अन्य शासक के साथ झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, आक्रमण करना पड़ जाए, तो ये इसकी सैनिक सहायता भी शासक की करें, ठीक है। अगला बिंदु देखिए, राष्ट्रकूट चालुक्यों के मातहत 8वीं सदी के मध्य में इनके प्रधान ने राजा को हराया, वह सत्ता हासिल की, ठीक है। ये हमने अध्ययन किया था कि 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट चालुक्यों ने मातहत 8वीं सदी के मध्य में इनके प्रधान ने राजा को हराया और सत्ता हासिल की, यानी एक तरह से उस पर अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। अगला देखिए, नए राजाओं ने महाराजाधिराज व त्रिभुवन चक्रवर्ती की उपाधि हासिल की, यानी जो उस समय जो बलशाली और शक्तिशाली जो शासक थे, उन्होंने महाराजाधिराज व त्रिभुवन चक्रवर्ती की उपाधि हासिल की, ठीक है। अगला बिंदु देखिए, किसानों, पशुपालकों व कारीगरों से कर वसूला जाता था, इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई, यानी उस समय कर वसूलने का कार्य, है ना, एक तरह से किया जाता था, और उसका कार्य कैसे किया जाता था, देखिए, राजस्व वसूली का, किसानों, पशुपालकों व कारीगरों से, है ना, ये जो वर्ग थे इनसे कर वसूला जाता था, जो हम कल पढ़ चुके हैं, है ना, बहुत सारे कर बताए गए हैं, इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई, है ना, इसके लिए कुछ जुम्मेवार व्यक्तियों को ये जुम्मेवारी सौंपी गई, अधिकारी इसमें नियुक्त किए गए, ठीक है। अगला देखिए, बारहवीं सदी में कल्हण ने कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास राज तरंगिणी लिखी, यानी इन्होंने, कल्हण ने एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम था, राज तरंगिणी। उसमें इस चीज़ का वर्णन किया गया, जो कश्मीर पर जिन शासकों ने शासन किया, जिन राजाओं ने राज्य किया, उनका इसमें वर्णन किया गया है। प्रश्न आएगा कि राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं, है ना, तो कौन है, कल्हण, और राज तरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है, तो कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का, ओके। अगला पूछे कि राज तरंगिणी की रचना कौन सी सदी में और किसके द्वारा की गई, तो राज तरंगिणी की रचना 12वीं सदी में और कल्हण के द्वारा की गई, ठीक है।
अगला बिंदु देखिए, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट व पाल सदियों तक कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ते रहे, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। देखिए क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर यहाँ पर दिया गया है। जैसे प्रश्न बनेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के मध्य हुआ, क्यों हुआ, तो वो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है, गुर्जर प्रतिहार राजपूत व पाल ये तीन वंश थे, है ना, एक तरह से राजवंश थे, सदियों तक यानी बहुत लंबे समय तक कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए आपस में ये लड़ते झगड़ते रहे, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया, क्योंकि इसमें कितने पक्ष थे, तीन पक्ष। ओके, अगला बिंदु देखिए, गजनी के सुल्तान ने हर उपमहाद्वीप के मंदिरों को निशाना बनाकर हमला किया, यानी जो गजनी का जो सुल्तान था महमूद खिलजी, इसका उद्देश्य था केवल भारत से धन संपदा लूटना, और इसने अधिकतर जो उपमहाद्वीप के जो मंदिर थे उनको निशाना बनाया, क्योंकि मंदिरों में उस समय बहुत अपार धन संपदा थी, इसलिए इसने मंदिरों को अपना निशाना बनाया। गजनी के सुल्तान ने हर उपमहाद्वीप के मंदिरों को अपना निशाना बनाकर हमला किया और यहाँ से बहुत सारी धन संपदा लूट करके अपने देश ले गया और वहाँ पर एक विषय वैभवशाली राजधानी का निर्माण करवाया। ठीक है, ये कल हम पढ़ चुके हैं। अगला देखिए, चहामान बाद में चौहान, यानी चौहानों को चहामान भी कहा गया है, दिल्ली वे अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे, जिनका प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में हराया, परंतु अगले ही साल उससे एक तरह से हार गया। इसमें कहना चाह रहा है कि जो चौहान या चहामान थे, इनका शासन कहाँ पर था, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर, और इस वंश का, इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, जिसने 1191 ईस्वी में किसको हराया, मोहम्मद गोरी को, लेकिन इसके ठीक एक वर्ष बाद 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में यह मोहम्मद गोरी से हार गया। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, पांचवी से छठी शताब्दी में तमिलनाडु में कृषि का विस्तार किया गया। प्रश्न आएगा कि तमिलनाडु में कृषि का विस्तार कौन सी शताब्दी में अधिक हुआ, तो कौन सी, पांचवी में और छठी में। ठीक है, अगला देखिए, अगला बिंदु है, किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी, क्या कहलाती थी, उर, जहां पर किसान लोग निवास करते थे, किसान लोग जिन बस्तियों में निवास करते थे उनको क्या कहते थे, उर। ठीक है, इस तरह के गांव का समूह नाडू कहलाता था, और जब इस तरह के जो बस्तियां थी उनका जब समूह जो होता था पूरा, वो क्या कहलाता था, नाडू। ठीक है, वेलाल जाति के धनी किसानों का नाडू पर नियंत्रण होता था, और ये जो नाडू थे, है ना, बस्तियों के जो समूह थे उन पर नियंत्रण किसका था, एक तरह से वेलाल एक जाति है जिसके धनी और संपल शक्तिशाली व्यक्ति होते थे, उनका नियंत्रण एक तरह से अधिकार होता था। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, कावेरी डेल्टा में, यानी कावेरी नदी के डेल्टा में मुट्रियर परिवार की सत्ता पल्लवों के मातहत, ये हमने कल पढ़ा था कि ये कौन थे, पल्लवों के मातहत, चोलों के मुखिया ने 9वीं सदी के मध्य इन्हें हराया, यानी ये पल्लव जो पल्लवों के क्या थे, सामंत एक तरह से, इनका अधिकार कहाँ था, कावेरी के डेल्टा और मुट्टियार परिवार थे, है ना, इनको किसने, चोलों के मुखिया ने 9वीं सदी के मध्य में इनको हरा दिया, और यहाँ पर तंजावुर शहर बसाया, वह बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, अगला और अंतिम बिंदु देखिए, प्रसिद्ध शासक राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी श्रीलंका
दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला किया और उनको अपने अधीन लिया। अगला देखिए, चोल कांसे मूर्तियां सबसे उत्कृष्ट थी, यानी इस समय जो बनाई गई थी कांसे की मूर्तियां, कल हमने उनका चित्र भी देखा था, वो सबसे उत्कृष्ट यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां मानी जाती हैं। तो आज के वीडियो में हमने सेकंड अध्याय के एक तरह से मुख्य बिंदुओं का अध्ययन किया। अगले वीडियो में अध्याय 3 का हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।